बात करते हैं हम अमेठी की, जहां पर एटीएम कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले तीन शातिर युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में संलिप्त फरार दो युवकों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। मामला शिवरतनगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सेमरता नहर पुलिया के पास अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान में चोरी की मोटरसाइकिल से सवार दो युवकों को पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के निशानदेही पर पुलिस ने तीसरे आरोपी के कमरे से चोरी की गई 6 मोटरसाइकिलें, 6 फर्जी एटीएम कार्ड और 1 कार भी बरामद की है। पुलिस सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है, साथ ही फरार अभियुक्तों की तलाश में जुटी हुई है। एसपी ख्याति गर्ग ने बताया कि अलग अलग कंपनियों के फर्जी एटीएम कार्ड को अपने पास रखते थे और कम पढ़े लिखे आदमियों को या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस द्वारा ये जो अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की चोरी के वाहन और असलों के संबंध में जो हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, तो उसी में कल हमारे थाना शिवरतनगंज को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कल रात को संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए एक चोरी की मोटरसाइकिल पर 2 अभियुक्त सिराज अहमद और जावेद खान मिले और चोरी की मोटरसाइकिल पे वो लोग जा रहे थे। फिर और पूछताछ करने पर उन्हीं का एक साथी है सूरज कश्यप, उसके पास भी चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई और उसके पास साथ में ही कुछ फर्जी एटीएम कार्ड बरामद हुए, 6 एटीएम कार्ड। इन लोगों से और पूछताछ की गई तो सूरज जो है वो फर्जी एटीएम कार्ड का भी काम करता है और चोरी की मोटरसाइकिलों में भी ये इसके पास से रिकवर हुई है उसमें भी संलिप्त है। और इसी के 2 साथी सिराज और जावेद, ये दोनों मोटरसाइकिल चोरी का काम करते हैं। जब एटीएम फ्रॉड के बारे में और पूछताछ की गई तो सूरज के और 2 साथी हैं विकास उपाध्याय और रोहित गोयल, वो लोग भी इसके साथ मिलकर एटीएम फ्रॉड का काम करते हैं, जिसमें इनके द्वारा अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग फर्जी एटीएम कार्ड तैयार रहते हैं और कभी भी कोई गांव का आदमी या बुज़ुर्ग आदमी या जो कम पढ़ा लिखा लगता है, कम जानकार लगता है एटीएम के संबंध में, जब वो कभी एटीएम पर जाता है और अपने पैसे निकालता है तो किसी तरह से टप्पेबाजी के तहत या कोई फ्रॉड करके ये लोग अपना फर्जी एटीएम या तो उसके साथ बदल लेते हैं, उसका असली एटीएम अपने पास रख के पैसे विड्रॉ करते हैं, या फिर कार्ड क्लोनिंग करके पासवर्ड जो उसका देख कर फिर ये लोग एटीएम फ्रॉड को अंजाम देते हैं। तो अभी हम लोगों को ये सफलता मिली है, जिसमें टोटल 5 हमको चोरी की बाइक रिकवर हुई हैं और 1 ईऑन कार है, वो भी उसके भी चेसी नंबर और इंजन नंबर में जो है वो वेरिएशन है, और 6 हमको इसमें एटीएम कार्ड, फर्जी एटीएम कार्ड हमको बरामद हुए हैं। इनका आपराधिक इतिहास कुछ रहा है? आपराधिक इतिहास इन लोगों का अभी तस्दीक किया जा रहा है। सूरज कश्यप का आपराधिक इतिहास है, जैसे कि मैंने कहा कि वो फर्जी एटीएम के साथ साथ मोटरसाइकिल चोरी में भी संलिप्त है। तो अब ये 5 चोरी की मोटरसाइकिलें मिली हैं तो इनमें तस्दीक किया जाएगा कहाँ कहाँ से ये चोरी हुई थी और फिर इसमें आपराधिक इतिहास और डेवलप किया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।